आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पर कमेंट जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आज मैं किस पर्पज़ से बना रहा हूँ ये भी आप जान लीजिए। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपके पास हेलमेट रहता है, आप बहुत ही ज़्यादा जब यूज़ कर लेते हैं उस हेलमेट को, तो उस हेलमेट में से कुछ अजीब टाइप की एक महक आने लगती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। और किसी को हेलमेट देते हैं तो वो हेलमेट लेने से भी मना कर देता है कि भैया मैं हेलमेट लगा के नहीं जाऊँगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि उस महक को कैसे हटा सकते हैं और हेलमेट गंदा हो जाने पर आप कैसे उसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, एक एक असेंबली निकाल करके उसको वापस लगाना। ये आप ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसको निकाल करके अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके वापस उसको लगा सकते हैं। और भी ऐसी कई वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक पड़ी हुई हैं, वहाँ से जा करके आप देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ मेरी बाइक जो है मॉडिफाई हुई है उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएंगे, वहाँ से आप देख पाएंगे उस मॉडिफाई वीडियो का। जैसे आपको कोई भी बाइक मॉडिफाई करनी रहती है और आपको सोचना पड़ता है कि आप कैसे मॉडिफिकेशन करवाएं, तो उसके लिए मैंने दो तीन बाइकें मॉडिफाई कर दी हैं, आप वहाँ से जा कर के देख पाएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैनल बिल्कुल भी फ्री है, आपको इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, आप इसमें कमेंट करके कुछ भी आप अपने सवाल का जवाब ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई वीडियो जो कि है हेलमेट के ऊपर। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे ये हेलमेट बहुत ही दिन से मेरे घर में पड़ा था, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, अंदर भी थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है। जैसे आपके यहाँ हेलमेट पड़े रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं और फिर उसका आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पहनने लगे हों तो अंदर एकदम ठीक रहता हो और स्मेल आने लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे बाल्टी में पानी और यहाँ पर एक ब्रश है और एक साबुन है और एक छोटा मग्गा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं बाल्टी में पानी भर रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको धुलने वाले हैं। तो इसको कैसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं आप, ये भी मैं आज बता दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले क्या करना होगा, ये आपको अलग कर लेने होंगे और इसमें ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे ये मैंने हेड के ऊपर वाला अलग कर लिया। ये देख सकते हैं इसमें से, आपके पास अगर महंगे हेलमेट होंगे तो जरूर से जरूर इसमें अलग हो जाएंगे। ये इसके अंदर से मैंने निकाल लिया है, ये अलग हो जाता है, ये आप देख पाएंगे। और अब मैच को क्या करना होगा, ये देखिए
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने जो चारों पांचों चीज़ें जो निकाली थी वो है धूप की तरफ करके रख दी हुई हैं कि अच्छी तरीके से ये सूख जाए। और सूखने के बाद क्या करना है, इसको असेंबली करना है। तो असेंबली करना भी आप सीख लीजिएगा अच्छी तरीके से, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कुछ ज़्यादा हेलमेट का निकाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको दुकान के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं असेंबली करना आपको सिखाऊंगा और निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है, तभी आप अपने हेलमेट को काम करिएगा, नहीं तो अन्यथा ना साफ। आपने अभी तक का वीडियो में सीखा है कि वाटर से हेलमेट को क्लीन किया है आपने, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर अब इसको पॉलिश करने वाले हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पॉलिश करने वाले हैं इसको। तो इसको पॉलिश से क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से कि ताकि ये नया दिखने लगे एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोटोल की पॉलिश है, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। ये मोटोल की है और इसका सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास ये सोखता होगा, इससे क्लीन किया जाएगा। तो सोखते पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेंगे। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर इतनी गंदगी इसमें से निकली है। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक सफ़ेद और साफ सोखते से, जैसा कि आप ये फॉर्म है, इसे अभी एक बार और इसको क्लीन किया जाएगा। शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आप पोर्शन दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि ये क्लीन करने के बाद सही हो जाएंगे सब। तो आप ध्यान रखें केवल जो स्कूटर बाइक पर ही पॉलिश का प्रयोग करें। इसमें जो इंजन ऑयल होता है, कभी कोई कोई लोग इंजन ऑयल लगा करके साफ करते हैं, उसको ना करें क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा डस्ट जम जाएगी इस पे। और इससे आप एक ही बार में कपड़ा मारेंगे तो ये साफ हो जाएगा पूरा हेलमेट। अगर आप महीने में ऐसा एक बार करते हैं तो आपका हेलमेट अच्छा भी दिखेगा और इसमें स्क्रैच भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आप देख पाएंगे इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत डस्ट आ गई। और इसके पीछे दिखाता हूँ मैं, नीट एंड क्लीन रहता है। आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि डस्ट आ चुकी है। अभी आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास कटर पॉलिश होगी, आपने नाम तो सुना ही होगा, जैसा कि ये है मेरे पास, ये कटर पॉलिश है। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये अधिकतर कार में मिलती है। ये देखिए, इसको एक दो जगह छुआ दिया जाता है ऐसे, और फिर जो फॉर्म रहता है, जो ये फॉर्म था ब्लैक हो गया है, इसके जो पीछे का पोर्शन है, अभी हम लोग इससे थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे रगड़ा जाएगा, वैसे ही जैसे पहली वाली पॉलिश के साथ आपने किया है वैसे ही इसमें भी करना है। ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट आ गई है।
जो कटर पॉलिश होती हैं ये कभी कदार जो छोटे मोटे स्क्रैच लगे होते हैं उनको छुड़ाने का काम करती हैं और हटाने का काम करती हैं। तो आप देख पाएंगे, ये देखिए आपके सामने एकदम नीट एंड क्लीन था और ये कितना गंदा हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको दूसरे वाले जो सिफॉन था इसे साफ कर लेंगे। ये देखिए, ये पहली बार हम लोगों ने इधर से साफ किया हुआ है, अब की इधर से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी डस्ट निकाली गई है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी कितनी डस्ट आ चुकी है फिर से। और ये दूसरा पोर्शन था, ये फर्स्ट पोर्शन है और ये सेकंड पोर्शन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हेलमेट एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, अभी भी कहीं भी कोई भी डस्ट नहीं रह चुकी है। अब हेलमेट की असेंबली की बारी आई कि हेलमेट की असेंबली की जाएगी। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हेलमेट नीट एंड क्लीन कर चुके हैं, पूरा पूरा जो हेलमेट था उसको नीट एंड क्लीन कर लिया गया है। अभी क्या करने वाले हैं, इस हेलमेट की अंदर की असेंबली के बारे में जानने वाले हैं कि जैसे इसको निकाल करके धोया गया है अंदर से, वैसे ही इसकी असेंबली जानने वाले हैं कि इसको कैसे अब असेंबल किया जाए। जी हाँ, आपको तो पता नहीं था कि जैसे जैसे मैंने निकाला आपको नहीं पता चला होगा, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसकी असेंबली जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो साइड कवर है ये आप देख पाएंगे, रुक जाइए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको साइड कवर को देखने को मिल जाता है कुछ, ये जो कान के पास टिकते हैं ये अक्सर करके हेलमेट में निकल आते हैं धुलने के मामले में। जैसे आप धुलना चाहेंगे तो अक्सर करके निकल आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ क्लिप देखने को मिल जाएंगे, जैसे बटने लगी रहती हैं आपकी शर्टों में और कई उसमें जॉकेटों में, वैसे यहाँ पर भी बटने हैं। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, तीन बटने आपको देखने को मिल जाती हैं साइड वाले पैनल में। और यहाँ पर आपको कुछ एक चिपकाने वाला पार्ट आता है, वो दोनों तरफ रेशा दे, दोनों तरफ उसमें रेशा रहते हैं और वो काम करने लगता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करने हैं, किनारे वाली असेंबली को लगा लेते हैं। किनारे वाला असेंबली में हमने ये निकाला था, ये देखिए। तो किनारे वाली असेंबली को अभी हम लोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसको ऐसे करके लगाना है। तो ये जो पार्ट था ये अंदर था, ये देखिए, ये इस हेलमेट के अंदर था यूं करके, और दबा करके इसको लगा देते हैं पूरी अच्छी तरीके से। अब क्या करना होगा, इस जो क्लिप में, अब ये जो क्लिप थी जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था इसको भी अच्छी तरीके से बैठा लिया जाएगा। जैसे ही बैठेगा आपके पास आवाज आएगी चट से, और इसका मतलब ये बैठ जाएगा। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर एक अगर आपने बैठा लिया तो सारे फिर अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अभी हमने ये बैठा लिया, ये देख पा रहे होंगे आप पूरा एकदम टाइट हो गया, अब कहीं से ये हिलने वाला नहीं है, बहुत ही टाइट हो गया ये, क्योंकि इसमें क्लिप ने जो है पकड़ लिया है। अब दूसरी तरीका का, दूसरी तरफ का इंस्टॉल करना है। तो दूसरी तरफ भी आपको क्या करना होगा, जो दूसरी तरफ का पोर्शन है ये देखिए, ये दूसरी तरफ का पोर्शन है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, इसको भी इंस्टॉल करने वाले। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा जैसे ही किया गया था।
और जैसे निकाले तो आप वीडियो बना लें कि ताकि आप भूलें ना, ऐसा भी आप कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं बनाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये देखिए, तो जैसा कि आप देख पाएंगे ये भी अच्छी तरीके से यहाँ से दबा लिया गया है। दबाने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से एक बार देखना होगा और ये क्लिप को अच्छी तरीके बैठा लेंगे। ये देखिए चट से आवाज़ आती है, इसका मतलब वो बैठ जाता है। दो तरफ का बैठ गया है, अभी एक तरफ का नहीं बैठा है जो अंदर वाला है। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ से भी अच्छी तरीके से बैठा लिया है, ये पूरा एकदम सेफ्टी के तरीके बैठ चुका है। और ये अब निकलने से रहा क्योंकि ये नहीं निकलेगा अब। तो अभी आपको क्या करना होगा, जो इसके अंदर का जो पोर्शन है, ये जो वाइट वाइट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी निकाला गया था। तो अभी आप क्या करने वाले हैं, इसके जो अंदर का पोर्शन है वो ये है। ये तो ये कुछ इस तरीके रहता है जी, कुछ इस तरीके रहता है। यहाँ पर भी आपको दो क्लिपें देखने को मिल जाएंगी, एक दो क्लिपें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये भी एक सेफ्टी पोर्शन है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लगाने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये जो जो हमारी सैंडल आती है उसमें जो रिबन लगा रहता है, जो दोनों तरफ से चिपकता है, ये वो रिबन लगा हुआ है यहाँ पर, जो वही वाला रिबन है। और यहाँ पर आपको दो क्लिपें जो अभी मैंने इसमें दिखाई, ये यहाँ पर लगी हुई हैं। और क्या करना है, सब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ही आप यूँ करके इसको अंदर डालेंगे और ये दोनों बाहर चीज़ें निकालेंगे। ये देखिए चिपका लिया उसने आसानी से, और इधर भी कुछ वैसे ही लगा हुआ है, इधर भी चिपका लिया। और अभी हम लोग बटन को फिक्स कर लेते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ बटन को फिक्स कर लिया, और यहाँ पर भी बटन को फिक्स कर लिया। अब अपने हिसाब से जहां पर भी इसको रखना हो तो रख सकते हैं आप। तो अभी मेरा हेलमेट फिर से दोबारा रिपेयर हो गया है, ये एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, आप देख पाएंगे अंदर से, और कहीं भी अभी कोई भी कमी नहीं रह गई चुकी है। तो ये हेलमेट एंड नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अभी हम लोग इसका टाइम लैप्स देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं।